नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं फ़ोटोशॉप का एक और लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने फ़ोटोशॉप के बारे में भी जानकारी ली, वर्जन्स के बारे में जानकारी ली, फिर उसके एनवायरनमेंट के बारे में सीखा हमने, फिर हमने सिलेक्शन टूल देखा कि फ़ोटोशॉप पे काम कैसे किया जाए, सिलेक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है, बिना सिलेक्शन के तो फ़ोटोशॉप पे काम करना लगभग असंभव है। और उसके बाद हमने फ़ोटोशॉप में और भी चीज़ें देखी थी, जैसे हमने लेयर्स के बारे में भी देखा था और हमने इफ़ेक्ट्स के बारे में भी देखा था। आज हम फिर हमने आपको कुछ बताया था रीसाइजिंग के लिए, कि फ़ोटोशॉप को रीसाइज़ करना है किसी फ़ोटो को तो कैसे किया जाएगा, रेजोल्यूशन पे हमने बात की थी। ये वाला जो लेक्चर है हमारे पास आपके लिए है वो कलरिंग और कंपोजिटिंग के लिए है, कंपोजिशन हम कर सकते हैं। कलर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कलर्स पे हम कैसे काम करते हैं, जैसे हम फोरग्राउंड पे कैसे काम करेंगे, किसी इमेज पर कैसे कलर पे काम करेंगे, हमने कुछ बनाया है तो कैसे कलर करेंगे, बैकग्राउंड का कलर चूज़ करेंगे, ये कलरिंग पर हम बात करेंगे। कंपोजिटिंग का मतलब है कि दो अलग अलग पिक्चर्स को आपस में अगर हमें कंपोज करना है, ब्लेंड करना है, मिलाना है, तो वो कैसे मिलाएंगे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं फोटोशॉप के अंदर, स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन हम बेसिक्स के कुछ दो ऑप्शंस आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप दो अलग अलग पिक्चर्स को ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन स्क्रीन है जहाँ पर हमने एक नया कैनवास लिया है। कैनवास कैसे लिया होगा, फाइल में न्यू पे जाएंगे, न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैनवास का साइज़ के लिए बात करेगा, हम विड्थ और हाइट सेट करेंगे। यहाँ पर हमने 600 विड्थ और 500 हाइट लिया है और रेजोल्यूशन 72 लिया है। डॉक पे जाके आप उसको चेक भी कर पाएंगे, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो टूल बार है उस टूल्स के नीचे, सबसे नीचे जो हमने लेंस के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है, वो दो कलर पैचेस दिख रहे हैं आपके, वो कलर बॉक्सेस हैं। जो ब्लैक कलर है जो ऊपर आ रहा है, कास्केड है, ऊपर कास्केडिंग बोलते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर नीचे रखी जाती है उसको कास्केडिंग कहा जाता है, तो कास्केड हो रखे हैं वो कलर्स। तो वो जो ब्लैक कलर है वो ऊपर वाला कलर, उसको हम फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, कि ग्राउंड के ऊपर का कलर है। और जो हमारा वाइट कलर जो नीचे है उसको हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। अब अगर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहूँगा, आप करेंगे, तो दो तरीके हैं चेंज करने के। एक तो तरीका क्या है कि मैं बैकग्राउंड कलर के बॉक्स पर डबल क्लिक करूँ, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड के डबल क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपका एक पैलेट खुल जाएगा कलर के लिए, उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइट रेड कलर चूज़ करूँगा जिससे कि हम बैकग्राउंड पे डाल सकें, और ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो देखिएगा जो नीचे जो आपका बैकग्राउंड कलर है, जो पहले वाइट था, अब वो लाइट रेड में आ गया है। अब इस कलर को मुझे इस कैनवस पर कलर फिल करना है, तो वो काम कैसे होगा। सबसे पहले हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको फिल, फिल पे क्लिक करेंगे, और इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस F5। आप बिना मेन्यू के जाएं, शिफ्ट प्लस F5 आप प्रेस करिए, आपको फिल ऑप्शन खुलेगा, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स आ गया है, इसमें आप चूज़ करेंगे। इसमें दो ऑप्शन, मतलब पहला फोरग्राउंड लिखा होगा, मगर हमें बैकग्राउंड कलर पे काम करना है, तो हमने कहा सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर एंड प्रेस ओके। आप बैकग्राउंड कलर चूज़ करें और ओके प्रेस कर लें, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बैकग्राउंड कलर जो रेड कलर का हमने लिया था वो हमें फिल करना है इस कैनवस पे। लेयर मेरी बैकग्राउंड वाली सिलेक्टेड है, ओके करते ही यहाँ पर रेड कलर फिल्ड हो जाएगा, जो लाइट रेड हमने लिया है। तो अब बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का तरीका क्या है कि मैं अब फोरग्राउंड कलर को पर कुछ काम करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर का चेंज कैसे करेंगे, हम दोबारा उस पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, कोई और कलर लें, फिर एडिट में जाएं, फिल में जाएं, ओके कर दें, तो वो कलर फिल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है जो अभी पीपीटी में नहीं है, कि आप डायरेक्टली शॉर्टकट की से कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल होता है, ऑल्ट प्लस डिलीट करते हैं तो आपका फोरग्राउंड कलर फिल हो जाता है। तो अभी हम फोरग्राउंड की बात करते हैं, अब हम फोरग्राउंड पे बात चले जाते हैं। टू चेंज द फोरग्राउंड कलर जस्ट डबल क्लिक द बैकग्राउंड कलर, जस्ट डबल क्लिक अबव द बैकग्राउंड कलर बॉक्स, दैट इज कॉल्ड फोरग्राउंड कलर बॉक्स। तो फोरग्राउंड कलर बॉक्स पे हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर से ऑप्शन खुलेगा आपके सामने, और इसमें हमने येलो कलर लिया है, कंट्रास्ट पे है, नज़र आएगा आपको, इसलिए हमने येलो कलर चूज़ किया है, थोड़ा लाइट है। ओके करिए, और फिर आप जाइए वहाँ पर मार्की टूल के अंदर, इलेप्टिकल मार्की टूल चूज़ करिए और एक सर्कल ड्रॉ करिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम फिर से एक नई लेयर लेंगे, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड कलर पर ही हम चूज़ करके उस पर कलर भर देंगे तो वो उसी पर अटैच्ड हो जाएगा और वो अलग नहीं हो पाएगा, वो उसका हिस्सा हो जाएगा क्योंकि वो एक ही लेयर है। तो
तो हमें लेयर चेंज करना पड़ेगा उस फोरग्राउंड पर काम करने के लिए, जिससे कि हम आसानी से उसको कुछ बदलाव भी कर सकें। तो हमने यहाँ पर लेयर पैलेट में न्यू लेयर पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नई लेयर जनरेट हो गई है। अब नई लेयर जनरेट हो गई है तो फिर अब हमें उस मार्की टूल जो हमने सेलेक्ट किया था, वो नई लेयर हमने सेलेक्टेड है, तो अब वो मार्की टूल नई लेयर के लिए काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, टूल बार पे जाएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास पेंट बकेट टूल, पेंट बकेट टूल क्लिक करेंगे, वहाँ से लाएंगे और सर्किल के अंदर क्लिक कर देंगे उस पेंट बकेट को, तो वो येलो कलर आपका फिल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था कि एडिट में जाएं, फिल में जाएं, फोरग्राउंड कलर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तब भी वो कलर फिल होता है। अब आपका ये येलो कलर का जो सर्किल आपका यहाँ पर आ गया है, उस पर सिलेक्शन आ रहा है अभी, जो मार्चिंग आर्ट्स दिख रहे होंगे आपको, तो वो कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। आप इस ऑप्शन कंट्रोल डी का भी मेन्यू कहाँ मिलेगा, सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और डी सेलेक्ट ऑप्शन है, इसको शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी, उसको हम डी सेलेक्ट करेंगे। अभी फिर से अब आगे काम करने के लिए हमें मूव टूल चाहिए, तो आप बस वी प्रेस कर दीजिए, आपका मूव टूल आपके पास आ जाएगा, नहीं तो आप वहाँ से मूव टूल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब इसमें हम क्या करते हैं कि उस मूव टूल को ये इससे होल्ड करेंगे और इस सर्किल को हम इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लेयर जो है ना वो बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग है। उसको साबित करने के लिए देखिए हम इसको मूव कर रहे हैं, मैंने इसको मूव किया तो ये ओरिजिनल पोजीशन चेंज होकर राइट हैंड साइड पर आ गया। अब ये यहाँ पर आ गया है तो इसका मतलब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, फाइनली वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम एक और ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ये तो हमारे जो अब तो सीखा, हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पे हम कैसे काम करते हैं, लेयर्स कैसे काम कर रही हैं आपस में। अब हम देखेंगे कि अब दो इमेजेस को हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं। इसी को हम फोटोशॉप की लैंग्वेज में एडिटिंग भी कहते हैं, इसको हम कंपोजिटिंग भी कहते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक फाइल एक लिया, मैंने दो फाइलें ली हैं, एक बैकग्राउंड है फ्लावर्स का, फूलों का, और एक पिक्चर एक चेहरे की है जो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती है। हमें ये मिला था, ये बेहतर चेहरा है जिसको हम ब्लेंड कर सकते थे। चूज़ करना पड़ता है किस बैकग्राउंड के साथ आप क्या चूज़ करें, ये भी एक फ़ोटोशॉप की कलाकारी है, क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप चीज़ें देखें, बार बार देखें, अलग अलग वॉलपेपर्स देखें, अलग अलग पिक्चर्स देखें, जो सबसे बेहतर लगता है वो देखें, उससे सीख के इनोवेशन आते हैं। तो हमने क्या किया है, एक फ्लावर्स का हमने एक पीपीटी लिए, एक स्क्रीन लिया है, और एक हमने एक चेहरे का, इन दोनों को हमें ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लासो टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस फोटो को ब्लेंड करने के लिए हमें सिर्फ चेहरा चाहिए, जो उसके पीछे जो ब्लैकिश है वो नहीं चाहिए हमको, तो सिर्फ चेहरा चाहिए, जो चेहरा इलेप्टिकल और मार्की टूल से सेलेक्ट नहीं हो सकता, ये चीज़ संभव नहीं है। तो हम लासो टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसके माध्यम से मैं चेहरे के ओने कोने सब सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से हमने अब यहाँ पर हमने शुरू किया है, तो आप देख रहे होंगे कि हमने सिलेक्शन इसमें दिखाया है, तो सिलेक्शन हमने कर लिया है। जैसा भी आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन हो सके आप कीजिए, कुछ गलत होता है कोई बात नहीं, जितना अच्छा बेहतर आप कर सकते हैं करिए, बार बार ट्राई करिए, मगर ध्यान रखिएगा लासो टूल जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर लाके उसको ख़त्म करना पड़ता है, तब वो सिलेक्शन होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिलेक्शन हमारा। अब ये सिलेक्शन के बाद क्या है कि जो सिलेक्शन किया है उसकी एजेस इतनी शार्प होंगी कि वो कटा हुआ पिक्चर अलग दिखेगा। तो हमारे पास फोटोशॉप में ऑप्शन है कि जो एजेस आई हैं हमारे सिलेक्शन की, उन्हें हम और स्मूथ और साफ सुथरा कर सकते हैं, और थोड़ा धुंधला भी कर सकते हैं जहाँ पर फेड इफेक्ट आता है। तो अब ये ऑप्शन में कहाँ जाएंगे, हम सेलेक्ट में जाएंगे, रिफाइन एजेस, रिफाइन एजेस में जाएंगे। रिफाइन एजेस में हम जाते हैं और सेलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो आप देखेंगे जैसे ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो जो आपने सिलेक्शन किया होगा सिर्फ वही नज़र आएगा स्क्रीन पर, बाकी पीछे का कुछ नज़र नहीं आता। जैसे आप देख पा रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है और जो सिलेक्शन है वो आपको कटा कटा सा दिख रहा है, जो सिलेक्शन आपका खामियां हैं वो नज़र आने लग जाती हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनकी वैल्यूज़ हम चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने स्मूथ और फेदर की वैल्यूज़ यहाँ पर हम चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने फेदर का जैसे ही हमने वैल्यू चेंज किया, पहले ऐसा था, जैसे ही मैंने स्मूथ और फेदर के वैल्यू चेंज किया तो वो जो एजेस थी वो कुछ ऐसी हो गई जो आपको फोटो में दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है। जब आपको लगता है आगे पीछे करके कि ये मेरे लिए बेहतर सिलेक्शन हो चुका है, तब आप इसे ओके करके बंद कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स को, ओके करिए, आगे बढ़िए। ये सिलेक्शन हमारा स्मूथ सिलेक्शन हो गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है, हमें कॉपी करना है। उससे पहले आप क्या मूव टूल पे आ जाइए, तो पहले आप वी प्रेस करिए और फिर कंट्रोल सी के माध्यम से इस फोटो को जो सेलेक्ट की थी हमने, जो हमने स्मूथ कर लिया है, उसको आप कॉपी कर लें।
कैसे हो सकता है, या तो वी प्रेस करके आपने मूव टूल पे आए, आप एडिट में जाएं, कॉपी प्रेस करें, या फिर शॉर्टकट आप प्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लस सी। आप इसको कॉपी कर लीजिए उससे। अब ये कॉपी हो गया है। अब जो आप नेक्स्ट टैब पर जाएंगे, क्योंकि हमने इसको कॉपी कर लिया है, तो कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट टैब पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए अनदर पिक्चर को, जिसमें हमने दूसरा पिक्चर लिया था फ्लावर्स का, उस पर हम क्लिक करेंगे। अभी पिक्चर आपके सामने है और बैकग्राउंड के लेयर पर वो पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था, जो फेस जो हमने सेलेक्ट करके लाए थे, उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो जैसे हम पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करने का तरीका क्या है, या तो एडिट में जाएं और पेस्ट ऑप्शन क्लिक कर दें, या फिर आप कंट्रोल प्लस वी, जैसे ही करेंगे आपका चेहरा आपके पास यहाँ सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर जो चेहरा आया है वो साइड में आया है, मैं उसको साइड किया है, उसको जो मेरे को हिसाब से जो मुझे सही लगा, तो मैंने उसको सेट करके एडजस्ट कर लिया है। फेस अगर बड़ा आ रहा था, रेजोल्यूशन अलग लगे, तो आपको वही स्केलिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोल टी से उसको हम स्केल कर सकते हैं, फिर एंटर मार के उसको सही कर सकते हैं। तो मैंने चेहरा जो है यहाँ पर लेफ्ट में एडजस्ट कर दिया है। अब मुझे इस चेहरे को इस फूलों के साथ ब्लेंड करना है, तो हम दो ऑप्शन आपको बताएंगे किस तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन पे हम बात करते हैं, इस चेहरे पर हमने काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस लेयर के लिए लेयर स्टाइल फॉलो करेंगे। तो लेयर स्टाइल पे आप क्लिक करिएगा, ऐड लेयर स्टाइल बोलते हैं उसको ऑप्शन को, और सबसे पहला ऑप्शन इसमें होता है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो हम इसको ब्लेंड करेंगे नीचे वाली लेयर के साथ, क्लिक करेंगे, बहुत बड़ा पैलेट खुलेगा, उसमें एक छोटा सा ऑप्शन है RGB। RGB ऑप्शन, R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन, B का मतलब होता है ब्लू। RGB प्राइमरी कलर्स होते हैं, जिनसे मिक्स होकर कोई भी फोटो आपको नज़र आता है, लेकिन DTP या पब्लिशिंग के अंदर जो ये RGB है वो CMYK में हम लोग सेकेंडरी कलर्स में काम करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो RGB में आप देखिए चेकबॉक्सेस बने हुए हैं, उन चेकबॉक्सेस को एक एक करके आप बंद करके खोल के आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शनों को ऑफ किया है, चेकबॉक्स अनचेक किए हैं, तो उनको मैंने अनचेक किया, तो देखिए आपका जो चेहरा है वो ब्लेंड हो गया और मैंने इसको ओके कर दिया। एक तरीका है, देखिए फूलों के साथ मैंने चेहरा ब्लेंड कर दिया, ये फोटोशॉप की क्वालिटी है, इस तरह के ऑप्शन से आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब जो पिक्चर है वो मेरा कलर कॉम्बिनेशन, आप देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए ये रास्टर इमेजेस पे काम करता है, पिक्सल्स पे काम करता है। तो जो चेहरा और फूल थे वो उस फोटोशॉप के लिए तो सिर्फ पिक्सल्स हैं, इसी कारण से वो सारे के सारे कलर चेंजेस की वजह से इस तरह के अंतर देखने को मिलते हैं। दिस इज द वे वी कैन कंपोजिट टू इमेजेस, टू और मोर देन टू इमेजेस, जैसा आप चाहें। अब एक दूसरा ऑप्शन आपको बताते हैं, ये वही चेहरा कॉपी करके हम लाए थे, रखा हुआ है, देखिए उनके जो बाल हैं वो फूलों के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा चेहरे का जो लेयर है, जो लेयर वन है, उस पर हम क्या करेंगे, एक ऐड लेयर मास्क करेंगे। जहाँ पर आपने देखा होगा, जहाँ हमारे फंक्शंस थे ऐड लेयर स्टाइल, उसी के बगल में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं ऐड लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क को क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही वो मास्क क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है, जितना ट्रांसपेरेंट एरिया होता है वो एरिया अब हमारे लिए बंद हो जाता है, काम करना बंद करता है, इसका मतलब वो मास्किंग हो गई। अब इस मास्क को करने के लिए मुझे ब्लेंड करना है, उसको मिक्स करने के लिए, तो मुझे एक ऑप्शन आएगा ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट क्या चीज़ हो, जैसे पेंट बकेट से हम कलर्स भरते हैं, वैसे ग्रेडियंट से एक बार में एक से ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन हम भर सकते हैं, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो जैसे ग्रेडियंट ऑफ कलर्स, जस्ट लाइक आई एम ब्लेंडिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू, और उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं वो एक साथ कैसे दिखेंगे, तो वो ग्रेडियंट से संभव है। मैंने क्लिक किया तो देखिए बहुत सारे ग्रेडियंट के ऑप्शंस आ रहे हैं, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है। तो हाल फिलहाल मैं यहाँ पर ग्रे शेड का ग्रेडियंट चूज़ कर रहा हूँ, उसको चूज़ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ग्रेडियंट का टूल का आइकन आ जाएगा, उसको हम ड्रैग करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि वाइट एरिया चेहरे पर आए और जो ब्लैक एरिया है वो चेहरे के से अलग रहे। तो हॉरिजॉन्टली इसको हम ब्लेंड करेंगे, हॉरिजॉन्टली हम जैसे क्लिक करते हैं, देखिए अब जैसे मैंने इसको ब्लेंड किया, वैसे ही इसके बाल आपके पीछे फ्लावर्स के साथ ब्लेंड होने लग गए। तो जो बेहतर आपको लगता है वो ब्लेंडिंग। नाउ दिस इज द अनदर ऑप्शन टू ब्लेंड टू इमेजेस और मोर देन टू इमेजेस, यू कैन ब्लेंड, यू कैन कंपोजिट। तो ये हमारे कौन कौन से सीखे हमने ऑप्शंस, एक तो हमने कलर्स के सीखे, किस तरीके से कलर्स कैसे फिल करने हैं, या फिर एक से ज़्यादा इमेजेस को हम आपस में ब्लेंड करना चाह रहे हैं वो सीखते हैं। अगले लेक्चर्स में हम और अलग अलग टूल्स और आयामों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।